हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज के मैगजीन एनालिसिस में वी विल बी पिकिंग अप ईपीडब्ल्यू एंड वी विल बी डूइंग फोर आर्टिकल्स, राइट? एंड दीज आर फ्रॉम 29 सितंबर, 6th अक्टूबर एंड 13th अक्टूबर एडिशन, राइट? इन्हीं एडिशंस की बाकी और भी जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है वी विल बी पिकिंग अप नेक्स्ट वीक एंड लुकिंग एट दम, राइट? तो अभी हम इन चार आर्टिकल्स को इन डेप्थ इनका एनालिसिस करेंगे, ब्रीफली इनको समझेंगे कि क्या है जो ये बोलना चाहते हैं, क्या है जो ये आगे रख रहे हैं। एंड अगेन वी हैव ट्राइड कि डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से डीलिंग जो हो जितना ज़्यादा ब्रॉड बेस्ड हो सके उतने आपके आर्टिकल्स आपको निकाल के दें, ठीक है? तो पहला आर्टिकल जो है डील्स विद योर इशू ऑफ IR एंड स्पेसिफिकली जो सुपर पावर पॉलिटिक्स होती हैं एंड हाउ दिस लेंस सम सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी टू द ग्लोबल रेजीम, ठीक है? सो इससे कंसर्निंग है जो ये पहला आर्टिकल है जो कि बोलता है द यूनाइटेड स्टेट्स डिवाइड एंड फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर विच इज़ बाय जोरावर दौलत सिंह, ठीक है? तो जो नाम है उसी के अंदर जो है एक ब्रीफली आपको पता लग जाता है कि आर्टिकल किन किन चीज़ों से के साथ डील करता है। तो स्पेसिफिकली द आर्टिकल लुक्स एट द वर्ल्ड ऑर्डर एंड ये देखता है कि किस तरह से जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो डिफाइन हुआ है बाय किस तरह का सिस्टम और कौन कौन रहे हैं एज वर्ल्ड हेजेमन, ठीक है? हेजेमन एज इन जो कि लीडर्स है जो कि डोमिनेट करते हैं आपके पूरे वर्ल्ड को, जो कि इस्टेब्लिश करते हैं और मेंटेन करते हैं वर्ल्ड ऑर्डर को, राइट? सो डिपेंडिंग ऑन कि आपका एक हेजेमन है गिविंग राइज़ टू यूनिपोलर सिस्टम, दो हेजेमन्स हैं जिससे बाइपोलर आता है, या मल्टीपल हेजेमन्स है, ठीक है, जहाँ पे मल्टीपल लीडरशिप का डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज काम कर रहे हैं जिसके थ्रू मल्टीपोलर वर्ल्ड आता है, ठीक है? सो कंटिन्यूसली ये साइकिल चलती जा रही है एंड करंट साइकिल के अंदर जो ये हेजेमन का रोल है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो ये निभा रहा है। जो ये आर्टिकल है ये सीक करता है ये देखना कि किस तरह का वर्ल्ड ऑर्डर जो अभी है एंड किस तरह से ये चेंज हो रहा है विजवी द चेंजिंग रोल एंड द स्टेटस ऑफ USA। तो जिस तरह से USA का खुद का रोल और स्टेटस बदलता जा रहा है विच इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ बोथ इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिटिक्स, उससे वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर और भी क्या इम्पैक्ट आएगा। इसी के अंदर जो है वेरियस डिबेट्स आती हैं और ये जो डिफरेंट डिफरेंट डिबेट्स हैं ये लिंक करती हैं कि किस तरह से जो इंटरनल पॉलिटिक्स है USA की, राइट, उनके थ्रू जो एक्सटर्नल आइडिया है एंड जो एक्सटर्नल रोल एनविसेज होता है USA के लिए वो किस तरह से बदलता जाता है, ठीक है? सो एक डिबेट है फार राइट वर्सेज न्यू लिबरल्स, सेकेंड डिबेट है बिटवीन नेशनलिस्ट एंड ग्लोबलिस्ट, एंड थर्ड है जो जोसेफ नाइजिस की बात करते हैं विच टॉक्स अबाउट पॉपुलिज्म वर्सेज ग्लोबलाइजेशन, ठीक है? अब पहली चीज़ जिसको ये उठाते हैं बोलते हैं नेशनलिस्ट या पॉपुलिस्ट है कौन। ये बोलते हैं कि नेशनलिस्ट या पॉपुलिस्ट को आप उन तरह के लोग मान सकते हैं जो कि जो एक आइडिया है ऑफ द अमेरिकन ड्रीम, ठीक है, उसमें बिलीव रखते हैं, बट ये जो आइडिया है ये एक इंक्लूसिव नहीं है, ये एक बहुत ही जो द आइडिया ऑफ एंड USA जो कि डोमिनेटेड है बाय सर्टेन सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है? तो उस तरह के लोग जो आज बात करेंगे ऑफ द आइडियाज ऑफ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ठीक है, कि हमारा जो देश था वो एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम एक बहुत ही एक अच्छी पोजीशन पे था और हमें उस पोजीशन पे इसको वापस लेके जाना है, ठीक है? और ये जो बिलीवर्स है उनको एक डर है ऑफ स्लोइंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ और यही साथ साथ में ये जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लो हो रही है ड्यू टू से मे बी फोर्सेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन गिवन द आइडिया ऑफ फुटलूज कैपिटल और किस तरह से MNCs एक्सेट्रा अपना जो काम है बाहर लेके जा रही है, राइट? सो आपका जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है स्लो डाउन हो रहा है, वाई? बिकॉज आपका काम जो है बाहर जा रहा है। सेकेंडली इनफ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स, अंदर कौन आ रहे हैं? माइग्रेंट्स अंदर आ रहे हैं फ्रॉम वेरियस
वेरियस कंट्रीज. ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये इनको डर लगता है कि ये इसको एक असॉल्ट की तरह समझते हैं, एज अ कल्चरल असॉल्ट. ठीक है, जो कि एक ये जो वैल्यू ऑफ बीइंग अमेरिकन है उसके ऊपर आ रहा है, राइट. और इनका ये मानना है कि जितना आप ज़्यादा इंटरनेशनल इंटरवेंशन करते हैं उतना ही ज़्यादा आप ओवर स्ट्रेच कर रहे हैं अमेरिकन रिसोर्सेज एंड पावर को. तो उनका मानना है कि वर्ल्ड ऑर्डर मेंटेन करने का जो एक जिम्मा है वो यूएसए ने अपने ऊपर बेफालतू में लिया हुआ है. इट इज़ नॉट आ जॉब टू बी डन. ठीक है, सो बैक टू एक वो जो गोल्डन आइसोलेशन का पीरियड है वो उसको एनविसेज करते हैं, जहाँ पे आप सिर्फ अपनी कंट्री के बारे में सोच रहे हो. ठीक है, अपने पीपल, अपने इंटरेस्ट, अपनी इकोनॉमी को प्रिजर्व कर रहे हो विदाउट एनी कंसर्न फॉर व्हाट हैपेंस आउटसाइड इन द वर्ल्ड ऑर्डर. ठीक है, सो ये है आपके नेशनलिस्ट, जिनको आप पॉपुलिस्ट भी बोल सकते हैं. ठीक है, अब ये नेशनलिस्ट जो है, इसी नेशनलिस्ट के आइडियल को अगर आप सेल करते हैं लोगों को एंड उस वेव के ऊपर कुछ बनते हैं तो वो पॉपुलिज्म भी बन जाता है. नेक्स्ट जो है एक स्टैंड ऑफ थॉट, वो है न्यू लिबरल. ठीक है, न्यू लिबरल थॉट जो है वो वाउच करता है इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए, लेकिन वो बोलता है कि हाँ इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है, कुछ चेंजेस की ज़रूरत है विद रिगार्ड टू यूएस कैपेसिटीज, कि आपकी जितनी एबिलिटी है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, आप उतना ही काम करें इंटरनेशनल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए. ठीक है, आप उसके वाया एडजस्टमेंट्स करते रहें, जो आपकी कई ऐसी चीजें हैं जहां पे आप ओवर स्ट्रेच कर रहे हैं अपनी एबिलिटीज को, या फिर कुछ रॉन्ग डिसीजंस ले रहे हैं, उनको करेक्ट करने की जरूरत है, राइट. हाउ एवर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट दीज न्यू लिबरल्स आर ऑल्सो वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर नेशनलिस्ट. ठीक है, ये जो न्यू लिबरल्स है इनका पूरा आइडिया ही रेस्ट ऑन द थॉट ऑफ फ्री ट्रेड, राइट. और यहाँ पे फ्री ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए क्या ज़रूरत है कि यूएसए अपना जो एक पैरामाउंट रोल है इन मेंटेनिंग दिस ग्लोबल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी एंड ग्लोबल रेजिम्स, उसको वो पीछे ना हटे उससे. नेक्स्ट है आपकी ग्लोबलिस्ट. ग्लोबलिस्ट अब जो इस डिबेट में आते हैं वो बोलते हैं कि देखिए, जो इंटरडिपेंडेंस अब बन चुकी है ड्यू टू वेरियस इंटरनेशनलाइजेशन एंड फोर्सेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वो अब इरिवर्सिबल है, उससे मुड़ के वापस नहीं जाया जा सकता. तो यूएसए को अब अडेप्ट करना पड़ेगा कि ये जो नई जियो इकोनॉमिक एज आ गई है, जहाँ पे ओपन बॉर्डर्स, फ्री ट्रेड जो है, यही है जो आपको आगे लेकर चल के आपका मुनाफा करवाएंगे, इस दौर के टाइम पे टू इरेक्ट न्यू वॉल्स एंड टू से नो, नाउ वी आर गोइंग टू टर्न बैक एंड अब हम एक मोर आइसोलेशनिस्ट, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी फॉलो करेंगे, तो वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि You can't possibly manage that. ठीक है, सो वो बोलते हैं कि इस टाइम पे घबरा के अगर आप वापस मुड़ोगे तो यहाँ पे आइसोलेशनिस्ट टेंडेंसीज जो हैं वो बस क्योस को ही, क्योस की तरफ ही बढ़ाएंगी, राइट. इट वॉन्ट रियली हेल्प करेक्ट ईदर द फ्रिजिलिटी जो कि हम वर्ल्ड ऑर्डर में विटनेस कर रहे हैं, या फिर द काइंड ऑफ वल्नरेबिलिटी जो कि आज यूएसए खुद विटनेस करने को आ गया है, राइट. तो इसलिए वो बोलते हैं कि ज़रूरी है कि यूएसए खुद अपने आप को अंदर से रेडिकली चेंज करे, ताकि अपनी जो ग्लोबल प्राइमेसी की एक पोजिशन है वो बना के रख सके, राइट. मूविंग ऑन अगेन, जब भी हम लिबरलिज्म की बात करते हैं, द एडवेंट ऑफ लिबरलिज्म इन दैट सर्टेन एरा, राइट, स्पेशली से पोस्ट द सेकेंड वर्ल्ड, पोस्ट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक्सेट्रा, इज लुक्ड एट एज द गोल्डन एज ऑफ फॉरन पॉलिसी, बोथ फॉर यूएसए एज वेल एज वेस्ट. ठीक है, यहाँ पे जो है आपकी एक बहुत ही एक्टिव फॉरेन पॉलिसी चल रही है, वेर इन यू आर इंगेजिंग विद द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, और इसको एक गोल्डन पीरियड माना जाता है फॉर द काइंड ऑफ वे दैट यूएसए वॉज इंगेजिंग विद द वर्ल्ड. ठीक है, ये जो एक प्रोलॉन्ग्ड ग्रेट पावर पीस है, राइट, तो एक आइडिया कि बाइपोलर जो सिस्टम है ड्यू टू वेरियस रीजन इंक्लूडिंग म्यूचुअली अशर्ड डिस्ट्रक्शन सो ऑन सो फोर्थ, उसके कारण जो है एक लॉन्ग पीस का दौर आया था. ठीक है, चाहे कोल्ड वॉर चल रही हो, बट द रीजन दैट दिस कोल्ड वॉर डिड नॉट टर्न इनटू अ हॉट वॉर वाज बिकॉज ऑफ दिस बाइपोलर सिस्टम, जो कि एक दूसरे को बैलेंस आउट करने में हेल्प कर रहा था. ठीक है, सो ये एक जो लॉन्ग पीरियड, जो एक ग्रेट पावर पीस का ये जो पीरियड है, ये एक बैलेंस ऑफ पावर के बीच में हुआ था, जो कि यूएसएसआर एंड यूएसए के बीच में जो ये बैलेंस मेंटेन हो रहा था उसका एक रिजल्ट था. ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों ही जो पावर ब्लॉक्स थे एक दूसरे को देवर कीपिंग इन चेक, एंड एक तो एक दूसरे को भी देवर कीपिंग इन चेक, साथ ही साथ में उनके पावर ब्लॉक्स के जो अंदर मेंबर्स हैं उनके ऊपर भी जो है एक निगरानी रखी हुई थी, सो दैट दे डोंट डू समथिंग व्हिच विल हार्म द इंटरेस्ट ऑफ द पावर्स देमसेल्व्स, राइट.
सो बिकॉज ऑफ दिस एक सॉर्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंट इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कम्युनिटीज जो थी आगे चल के उभर के आ गई, राइट? वेदर यू टॉक ऑफ नेटो इन टुडेज एज इन पीरियड, ठीक है, या फिर आप अगर बात करते हैं कि 90s के अंदर जितना भी एंथुजियाज्म जारी हुआ आपके ईयू को लेके, राइट? सो अगेन अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स वर अ रिजल्ट ऑफ दैट एरा ऑफ गोल्डन पॉलिटिक्स, ठीक है. न्यू लिबरल जो ग्लोबलिज्म है उसको वो बोलते हैं कि एक डबल्ड वर्ल्ड वो क्रिएट कर रहा है ऑफ सॉवरेन स्टेट्स. अब ये डबल्ड वर्ल्ड क्या है? ये डबल्ड वर्ल्ड है कि देखिए ये जो सॉवरेन स्टेट्स है कहने को तो सॉवरेन है, ठीक है, बट इनकी जो ऑटोनॉमी है वो लिमिट हो गई है. क्यों? क्योंकि जिस तरह से ये इंगेज करने लग गए हैं विद द ग्लोबल सिस्टम एंड द सुपरा नेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो कि अब एग्जिस्टेंस में आ गया है, एंड ये जो सुपरा नेशनल इंटरनेशनल स्ट्रक्चर्स हैं ये अब कुछ ग्लोबल रेजिम्स, कुछ ग्लोबल रूल्स बनाते हैं जो कि गवर्न करते हैं दोनों ही ग्लोबल इकोनॉमी को. एंड साथ ही साथ में जिस तरह की ट्रेडिशनल इंटरडिपेंडेंस देखी जा रही थी प्रायर टू से वर्ल्ड वॉर वन और द इकोनॉमिक क्राइसिस जो कि 1930s में आया, या वर्ल्ड वॉर टू जो देखी गई, तो उस जो इंटरडिपेंडेंस, जो ट्रेडिशनल इंटरडिपेंडेंस थी उसी की तरफ जो है पुश करता कर रहे थे ये जो न्यूलिबरल की फोर्सेस थी. अब ये आइडिया क्या है? आइडिया है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी है बाय मेकिंग सर्टन ग्लोबल रेजिम्स, बाय मेकिंग सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट, इनको आप जो है इस वर्ल्ड इकोनॉमी को आप बोलिए कि ये एक फ्री एंड ओपन इकोनॉमी है, ठीक है, जो कि बेसिकली काम करिए कि जिसने जिसको कमाना है, जिसको प्रॉफिट करना है, हूएवर नोज हाउ टू ट्रेड कैन कम टेक एडवांटेज ऑफ इट. हाउएवर ये जो वर्ल्ड इकोनॉमी है इसके ऊपर ये जो मास डिमांड्स ऑफ सोशल जस्टिस एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिव इक्वालिटी है ये नहीं लग रही है, ठीक है, क्योंकि ये डिमांड्स किसको देखी जाती है? ये देखी जाती है डेमोक्रेटिक पॉपुलिज्म का एक हिस्सा. जिस तरह से कम्युनिस्ट स्टेट से बात करेंगे जस्टिस की, रीडिस्ट्रीब्यूटिव इक्वालिटी की, नहीं, ये जो एक इंटरनेशनल ट्रेड है ये रेलम है इंडिपेंडेंस का, ये रेलम है आपके फ्री एंड ओपन ट्रेड का. यहाँ पे आप जस्टिस, यहाँ पे आप रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आप बात कर रहे हैं कि हूएवर हैज द टैलेंट कैन कम पार्टिसिपेट एंड टेक होम व्हाटएवर स्पॉइल्स ही मेक्स आउट ऑफ द काइंड ऑफ वर्क दैट ही डज, ठीक है. सो बेसिकली न्यू लिबरलिज्म हमेशा ये जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसको बचा के रखना चाहता है ऑफ फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड पॉपुलिज्म जो कि ट्रेडिशनली डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का एक हिस्सा होता है. तो बोलते हैं आपका जो पॉपुलिज्म है आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स तक रखिए, इसको इंटरनेशनल स्फेयर में स्पेल करने की ज़रूरत नहीं है, विच इज़ सीन टू बी हैपनिंग से अंडर द ट्रंप एरा, ठीक है, कि जहाँ पे आप सिर्फ सेविंग जॉब्स फॉर अमेरिकन की बात नहीं कर रहे हैं बट एक्टिवली ट्राई कर रहे हैं कि आप ये जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उससे डिसंगेज होकर यूएसए को एक थोड़ा ज़्यादा आइसोलेशनिस्ट ट्रैक पर लेके जाए. ये जो यूएस हेजेमनी है ये वो बोलते हैं कि एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप पे जो है बेस्ड है, ठीक है. यहाँ पे यूएसए कुछ पब्लिक गुड्स प्रोवाइड कर रहा है इन टर्म्स ऑफ जो ग्लोबल नॉर्म्स क्रिएट होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस क्रिएट होती है, जो शेयर्ड मिलिट्री सिक्योरिटी सेटअप होता है, जिसके कारण एक ओपन स्टेबल प्रिडिक्टेबल ऑर्डर जो है बन जाता है. और ये जो ओपन स्टेबल प्रिडिक्टेबल ऑर्डर है ये फायदा देता है दोनों ही डेवलप्ड कंट्रीज को एज वेल एज द डेवलपिंग कंट्रीज, राइट? क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज को अब कुछ स्पेसिफिक रूल्स पता लग गए, दीज आर द रूल्स ऑफ द गेम, जो इक्वली अप्लाई कर रहे हैं मुझे भी एंड डेवलप्ड कंट्रीज को भी. सो इट गिव्स देम एन अपॉर्चुनिटी टू बी एबल टू एक्चुअली पार्टिसिपेट, ठीक है, मीनिंगफुली इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स एज वेल एज इकोनॉमी. साथ ही में ये इनेबल करते हैं, ये बोलते हैं अमेरिकन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी को, ताकि वो सबसे ज़्यादा जो इनवाइटिंग पार्ट्स ऑफ द ग्लोब है वहाँ पे जाके अपने कैपिटल और टेक्नोलॉजी को इन्वेस्ट कर सके, ताकि दे ऑल्सो आर रीपिंग बेनिफिट्स ऑफ दिस ग्लोबल सिस्टम दैट दे होप टू क्रिएट. However, क्रिटिक्स का ये मानना है कि ये जो यूएस का रोल उभर के आ गया है इन द इंटरनेशनल ऑर्डर ये एक बहुत ही आइडियलिस्टिक रोल जो है बन के रह गया है, especially given the losing wars जो इन्होंने जो यूएस ने छेड़ दी अफगानिस्तान, इराक, लिबिया एक्सेट्रा में. Along with these troubles came the trouble of financial crisis, जिसके कारण again the question of US hegemony and the kind of role that it can play in the world order and for maintaining the same, वो question में आने लग गया, ठीक है. और अब ये बोल रहे हैं कि जो election हुआ है Trump का, ठीक है, उस election of Trump को इसी एक चीज़ का जो है symptom
देखना चाहिए, ठीक है. जो ट्रंप का इलेक्शन है दैट इज नॉट पॉइंटिंग आउट टू अदर थिंग्स बट इट्स इटसेल्फ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ नंबर ऑफ थिंग्स जो कि होके आएंगे. द काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी, द काइंड ऑफ वल्नरेबिलिटी जो कि यूएसए और उसके सिटीजन फेस कर रहे हैं गिवन द ट्रबल्स जो कि वो फेस कर रहे हैं दोनों ही जियो पोलिटिकल और जियो इकोनॉमिक रेल में, उसके कारण दे कम टू बी दे गॉट टू बी सीकिंग ऑलमोस्ट अ मिसाइल लाइक क्रिएचर जो कि इन पॉपुलिस्ट बातों की पे जोर दे रहा था. सो यू कैन ऑलमोस्ट इमेजिन अ जर्मनी राइट इन योर इन दैट एरा बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स जहाँ पे वो काफ़ी 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 प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रहा है. एंड अगेन अ पॉपुलिस्ट लीडर हु माइट हैव नॉट बीन राइट और हु माइट हैव नॉट कम टू पावर गिवन अनदर कॉन्टेक्स्ट he has that person is brought to power by the people. क्यों? क्योंकि ये एक vulnerable जो idea है वो उनके दिमाग में ingrain हो गया है. And ये election of Trump को भी इसी context में view करने की ज़रूरत है, right? अब राइजिंग पावर्स हैं जो कि ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरह से ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है जो कि क्वेश्चन किया जा रहा है, ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है विच इज़ ऑलमोस्ट इन टैटर्स, उसको किसी तरह से रिपेयर या इनोवेट किया जाए. एंड देयर आर नंबर ऑफ पावर्स वेदर दे बी ग्रुपिंग्स वेदर दे बी इंडिविजुअल कंट्रीज जो कि ये जो वैक्यूम एक छोड़ रहा है यूएसए उसको भरने की कोशिश कर रहे हैं. वन ऑफ दीज राइजिंग पावर्स हैपन्स टू बी ब्रिक्स, राइट. सो ये जो ग्रुपिंग है ऑफ ब्रिक्स वो ट्राई कर रही है एक मल्टीलेटरल इनिशिएटिव की तरह टू एक्चुअली बी एबल टू कम एंड फिल इन दिस गैप ताकि एक रिफॉर्म्ड वर्ल्ड ऑर्डर की बात की जा सके जो कि चेंजिंग सिनेरियो एंड चेंजिंग पावर को भी कमेमोरेट करें. साथ ही साथ में और भी मल्टीलेटरल इनिशिएटिव्स है जैसे कि चाइना का एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो कि अगेन ब्रिक्स से इंस्पिरेशन ड्रॉ करके डेवलपिंग वर्ल्ड के एजेंडा के बारे में बात करता है एंड एक ऑल्टरनेटिव ऑर्डर बिल्डिंग को भी देखता है, राइट. सो इट सेज दैट इंस्टेड ऑफ द वेस्ट डोमिनेटेड डेवलप्ड कंट्रीज डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशनल वर्ल्ड ऑर्डर जो कि अभी तक बनता आया है, शायद अब डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ रीओरिएंट करने की जरूरत है. बोथ ऑफ दीज ऑप्शंस आर ऑफर्ड बाय बोथ ब्रिक्स एज वेल एज चाइना लेड द AIIB. अब जब से ट्रंप का एडवेंट हुआ है इंडिया का जो एक स्ट्रेटेजिक डिस्कोर्स है वो बोल रहे हैं इसके अंदर नुआंसेस या सबटलिटी जो है काफ़ी लैकिंग है इन बीइंग एबल टू डील विद कि किस तरह से आपने ये जो वर्ल्ड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम्स है उसको आंसर करना है, राइट. तो ज़रूरी हो गया है कि एज फार एज इंडिया इज कंसर्न पोस्ट 90s वी ऑल्सो बिकम दिस इंट्रेंसिक पार्ट ऑफ द न्यू लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर. तो अब ऐसी बात तो है नहीं कि जो भी हम बातें करते हैं कि नहीं वी वर वेरी से वी वर वेरी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल क्राइसिस दैट हैपेंड फ्रॉम द मेल्टडाउन दैट हैपेंड या जो जियो इकोनॉमिक जियो पोलिटिक्स बाहर चलती हैं वो उतनी हमको इम्पैक्ट नहीं करती, ऐसा नहीं है, राइट. विद द ओपनिंग ऑफ द वर्ल्ड इंडिया हैज बिकम अ मोर एंड मोर इंट्रेंसिक पार्ट ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ठीक है. और वो इंडिया को भी उतने ही इक्वली इम्पैक्ट करता है, चाहे वो ग्लोबल मेल्टडाउन हो और उसका इम्पैक्ट ऑन द एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, चाहे वो आपके ट्रंप रिलेटेड वर्ल्ड पॉलिटिक्स के मेजर्स हो, वेदर दे आर अगेन पुलिंग आउट ऑफ द P5+1 विद ईरान एंड उस वो किस तरह से बैकफायर करता है इंडिया पे एंड इट्स ऑयल नीड्स, राइट. सो इन सब को मद्देनजर रखते हुए ज़रूरी है कि इंडिया भी कुछ ऑल्टरनेटिव इमेजिनेशन यूज़ करके वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें एंड किस तरह से इस वर्ल्ड ऑर्डर को री इन्वेगरेट किया जा सकता है उसके बारे में सजेशन दें, राइट. सो दिस वॉज योर वन आर्टिकल विद रिगार्ड टू आया. जो हम नेक्स्ट आर्टिकल करते हैं अगेन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जब हम देखते हैं कि अर्बन डेवलपमेंट अर्बन प्लानिंग मेकिंग सिटीज मोर इंक्लूसिव स्पेसेस, ठीक है. जब हम इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो हम रियलाइज करते हैं कि सिटीज एंड अर्बन डेवलपमेंट एक बहुत ही क्रूशल इशू जो है बनता जा रहा है. ये आर्टिकल बाय वीआर वचना डील्स विद द सेम, ठीक है. सो इट्स कॉल्ड इंडिया सिटीज विदाउट ओनरशिप अ कंटिन्यूइंग टेल ऑफ डेफिशिएंसी, राइट. अगेन ये जो आर्टिकल है नाम से ही पता लग जाता है दैट इट डील्स विद बोथ द कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज जो प्रैक्टिकल
कुछ पॉश सिटीज़ हैं जो कि आपके सिटीज़ के अंदर हैं, राइट, वेदर दे बी इन टर्म्स ऑफ लैक ऑफ लीडरशिप, वेदर दे बी इन लैक ऑफ पावर्स जो कि सिटीज़ और इनकी इनके लीडर्स के पास है, राइट, वेदर दे बी इन लैक ऑफ फाइनेंसिस, लैक ऑफ फंक्शंस, लैक ऑफ फंक्शनरीज, किसी भी तरह से आप इनको व्यू कर सके, ठीक है, ये इन सब ही पॉश सिटीज़ के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो द आर्टिकल स्टार्ट्स बाय सेइंग एक जो मेजर प्रॉब्लम है जो कि इंपैक्ट करती है इंडियन सिटीज़ को वो है वीक पॉलिटिकल लीडरशिप। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, आपकी 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आई थी जो कि बात करती थी आपकी ग्रास रूट डेमोक्रेसी की इन एक्चुअली एम्पावरिंग द पीपल एंड मेकिंग दैम bringing accessible democracy to them by introducing panchayati raj institutions and urban local bodies, ठीक है। अब 74th amendment जो है जो कि urban areas के बारे में बात करती है, जो कि आपकी urban local bodies के बारे में बात करती है और इनको institutions of self-government बनाने की बात करती है, उसके ऊपर जो है काफ़ी questions उठ के आए हैं। वो बोलते हैं ये institutions जो है genuine institutions of self-government सिर्फ तब बन सकती हैं जब आपकी जो political leadership हो in the form of say mayors वो empowered हो, और ये जो है नहीं हो रहा है in terms of its actual practice, ठीक है। ये जो आर्टिकल है ये अगेन एक रिजल्ट है किसका, एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया सिटी सिस्टम्स जो है एक स्टडी कैरी आउट की गई थी बाय जनाग्रह सेंटर ऑफ फॉर सिटीजनशिप एंड डेमोक्रेसी, ठीक है, 2017 की ये जो स्टडी है ये बात करती है ऑफ द स्टेट ऑफ अर्बन गवर्नेंस इन इंडिया और ये 23 सिटीज को अक्रॉस 20 स्टेट्स जो है कवर करती है और इसको कंपेयर करती है विद सर्टेन ग्लोबल सिटीज, ठीक है, इन ग्लोबल सिटीज को वो एक मॉडल मानती है एंड इन 23 सिटीज़ को कंपेयर करती है दैट इन कंपैरिजन टू दीज 3 ग्लोबल सिटीज़ एंड किस तरह से यहाँ पे अर्बन गवर्नेंस होता है, हाउ डू आर 23 सिटीज रियली फिगर आउट एज रियली फ्लेयर एज फार एज योर अर्बन गवर्नेंस इज कंसर्न्ड, राइट, एंड दीज 3 सिटीज़ आर दोज इन न्यूयॉर्क, लंदन एंड जोहान्सबर्ग, राइट। अगेन बात की जाती है कि ये 3 जो सिटीज़ हैं बहुत ही वाइब्रेंट और डेमोक्रेटिक सिटीज़ हैं, बहुत इंक्लूसिव स्पेसेस हैं जहाँ पे आप सारी चीज़ें विटनेस करते हैं, वेर एंड दे आर कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़, बहुत ही इन्फ्लक्स देखती हैं ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज एज वेल एज द वर्ल्ड, ठीक है, और किस तरह से ये जो कंट्रीज़ हैं ये लीड की जा रही हैं बाई एम्पावर्ड मेयर्स एज वेल एज देयर टीम, ठीक है। और यहीं पे एक चीज़ जो पॉइंट आउट होती है कि ये जो मेयर है जो आपका पॉलिटिकल लीडर है वो एक की ड्राइविंग फोर्स बन जाता है कि किस तरह से जो सिटी है वो फंक्शन करती है, प्रेजेंटली किस तरह से वो अपने आप का अपने उनसे जो काम एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं उनको परफॉर्म करती है, साथ ही में उस सिटी को वो किस तरह से उसके फ्यूचर में ओरिएंट किया जा सकता है, राइट। सो दे एंड अप गिविंग अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल केन लिविंगस्टोन जो है जो कि फॉर्मर मेयर है लंदन के, और किस तरह से उनके जो एफर्ट्स थे उनके कारण लंदन को कंजेशन फ्री बनाने में हेल्प हुआ, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था आपका एक कंजेशन चार्ज जिसने बेसिकली हेल्प किया था रिड्यूस करना दोनों ही ट्रैफिक कंजेशन को एज वेल एज पोल्यूशन इन सेंट्रल लंदन। साथ ही में न्यूयॉर्क के मेयर माइकल ब्लूमबर्ग जो हैं जिन्होंने 3 कंजर्वेटिव टर्म्स सर्व किए सिंस 2001, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक बहुत ही यूनिक प्लान इंट्रोड्यूस किया था विच वॉज कॉल्ड प्लान NYC, ठीक है, जो कि बेसिकली होप टू क्रिएट अ ग्रीनर एंड ग्रेटर न्यूयॉर्क, ठीक है, और इसका मेन अटेम्प्ट क्या था, ग्लोबल वार्मिंग को फाइट करना एंड जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना। साथ ही में जोको विदोदो जो हैं हु वॉज द फॉर्मर मेयर ऑफ सुकर्ता जो कि हु वेंट ऑन टू बिकम द गवर्नर एंड अब प्रेजिडेंट है इंडोनेशिया के, ठीक है, उनका भी ये जो रूट है वो इसीलिए लगा रहा बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ ट्रैक रिकॉर्ड जो उनका था इन इम्प्रूविंग द सिटी ऑफ सुकर्ता, ठीक है, कि किस तरह से उन्होंने इस सिटी की ब्यूरोक्रेसी को इम्प्रूव किया, करप्शन के ऊपर जिस तरह से उन्होंने मैनेज करने के लिए रिड्यूस करने के लिए जो अटेम्प्ट्स किए, हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया, ठीक है। सो इन सब चीज़ों से पता लगता है कि मेयर का एक कितना ज़्यादा क्रूशल रोल होता है इन एक्चुअली डेवलपिंग द सिटी एंड मेकिंग इट अ मोर डेमोक्रेटिक अ मोर एम्पावर्ड स्पेस, राइट। अगेन ये बोला जाता है कि जो मेयर्स हैं ऑब्वियसली दे आर बेटर प्लेस्ड टू डिसाइड कि किस तरह से उनकी सिटी के अंदर जो है काम होना चाहिए विज़ुअली से अ चीफ मिनिस्टर जिसके पास ऑलरेडी पूरे के पूरे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो द चीफ मिनिस्टर इज सिटिंग अवे फ्रॉम द सिटी, उनको उनकी जो यूनिक नीड्स उनकी जो पेक्यूलर नीड्स है उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है और इसलिए जो मेयर है वो बेटर सूटेड इन एक्चुअली टेकिंग डिसीजंस अबाउट दीज रिक्वायरमेंट्स। साथ ही में इंडिया ने एक मेजर
development dekhe in terms of policy attention on urban front via schemes such as Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission, theek hai, jinke karan jo hai, jo ki continuously evolve karte ja rahe, and lots of new policies have now come up such as Swachh Bharat Abhiyan, Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation, as well as the Smart Cities Mission. Theek hai, ye sari jo schemes hai kisi na kisi tarah se aapki urban development and urban planning ke upar jo hai bahut zyada फोकस करते हैं, राइट. सो पॉलिसी वाइज, स्कीम वाइज, स्कीम डिजाइनिंग वाइज जो हम देख रहे हैं वो डायरेक्शन करेक्ट है. हाउएवर, व्हाट इज मिसिंग इज द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन. जब तक इन पॉलिसीज को एग्जीक्यूट नहीं किया जाता, जब तक इस विजन को एबल लीडर्स नहीं मिलते जिनके पास लेजिटिमेसी भी है. लेजिटिमेसी क्यों? क्योंकि ये मेयर्स जो है उसी सिटी की पॉपुलेशन ने चूज किए हैं, राइट. सो जब तक ये दो चीजें नहीं होती तब तक इन पॉलिसीज और स्कीम्स का कोई फायदा नहीं है. अगेन, ये जो स्टडी हुई थी A6 की, इन्होंने हाईलाइट किया है कि जो क्रिपल्ड म्यूरल सिस्टम है एंड किस तरह से बहुत ही एक शॉडी स्टेट में है डेवोल्यूशन ऑफ पावर एज फार एज इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट आर कंसर्न, उसके कारण जो अर्बन गवर्नेंस है एक ऑलमोस्ट मिथ ही बन के रह गई है. अगेन, जो आपकी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, उन्होंने एनविसेज किया था कि जो म्यूनिसिपैलिटीज है बहुत ही एक्टिवली फंक्शन करेंगी, डेमोक्रेटिक यूनिट्स होंगी जो कि लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगी, उनकी इंक्लूजन बढ़ाएंगी, एंड साथ ही सिटी लेवल पे एक जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का आइडिया है, राइट, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का जो आइडिया है उसके बेसिस पे डेवलपमेंट को भी जो है ये लोग पार्टिसिपेटरी इन नेचर बना देंगे, राइट. सो ग्रास रूट लेवल पे जब आपकी डिसीजन मेकिंग डेमोक्रेटाइज होगी उसके कारण डेवलपमेंट भी जो है ज्यादा इंक्लूसिव, ज्यादा पार्टिसिपेटरी बन जाएगी. हाउएवर, ये पॉसिबल नहीं हुआ है और ये ऐसा नहीं चल रहा है. अगेन, सिटीज ये बोलते हैं एक स्टेट सब्जेक्ट है एंड इनका जो डिटेल ड्राफ्टिंग ऑफ लॉज है, आइडियली जो स्पिरिट थी आपकी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, वो जो ड्राफ्टिंग है वो स्टेट्स को छोड़ दी जानी थी. हाउएवर, क्योंकि देर आर नो क्लियर कट प्रोविजन जो कि अवेलेबल है विद रिगार्ड टू मेयरल टर्म्स, उनकी पावर्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल मेयर, बहुत ही वेगनेस है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल डेवल्यूशन, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस है इन टर्म्स ऑफ दैट, जो उनकी फाइनेंशियल सोर्सेज है वो बहुत कम है, एब्सेंस है टाइमलाइन की इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजंस विद रिगार्ड टू वेरियस डेवल्यूशन रिलेटेड मेजर्स, ठीक है. यूजेज ऑफ द वर्ड अगेन मे इंस्टेड ऑफ शाल इन टर्म्स ऑफ जो प्रोविजंस ग्रांटेड है एज फार एज डेवल्यूशंस आर कंसर्न्ड इन द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इनके कारण जो उसका एक्चुअल स्पिरिट था उसको बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया गया है. अगेन, जो अर्बन गवर्नेंस है ये फर्दर कॉम्प्लिकेट हो जाती है क्योंकि स्टेट्स देमसेल्व्स फॉलो नहीं कर रहे कुछ मैंडेटरी प्रोविजन सच एज होल्डिंग ऑफ रेगुलर इलेक्शंस या फिर इंट्रस्ट करना रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द स्टेट इलेक्शन कमीशन. साथ ही में जो स्टडी है उसने शोकेस किया कि इवन दो सारे स्टेट्स के पास स्टेट इलेक्शन कमीशन है, सिर्फ 4 ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने एम्पावर किया हुआ है स्टेट इलेक्शन कमीशन को कि वो लीगली कंडक्ट कर सके डिलिमिटेशन ऑफ वार्ड्स, ठीक है. इन अदर स्टेट्स इवन द स्टेट इलेक्शन कमीशन रिमेन्स अ वेरी हैंडीकैप्ड बॉडी, राइट. अगेन, मूविंग ऑन, दे शो कि A6 की जो स्टडी है वो शो करती है कि इंडियन सिटीज के अंदर बहुत ही लो लेवल्स ऑफ डेवोल्यूशन है इन टर्म्स ऑफ ऑल 3 फंक्शंस, फंक्शनरीज एज वेल एज फंड्स, ठीक है. सो द काइंड ऑफ फंक्शंस जो कि एनविसेज किए जाने चाहिए और उनको दिए जाने चाहिए वो बहुत कम है. फंक्शनरी जो उनके पास अवेलेबल होने चाहिए वो बहुत कम है, राइट. दे आर मोस्टली शेयरिंग ब्यूरोक्रेट्स जो कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की तरफ आते हैं, ऑफन एंड अप ओवर पावरिंग दैम एंड इन टर्म्स ऑफ फंड्स एज वेल, ठीक है. क्योंकि जो डेवोल्यूशन है जो कि आपकी स्टेट फाइनेंस कमीशन कहती है वो किस तरह से देती है एंड उनके पास खुद के जो सोर्सेज है बहुत ही लिमिटेड है इन टर्म्स ऑफ रेजिंग ऑफ फंड्स, ठीक है. सो इन तीनों ही चीज़ों के अंदर क्योंकि इतनी बड़ी लिमिटेशन जो सिटीज हैं वो बहुत ही वीक रहती है इन टर्म्स ऑफ अर्बन गवर्नेंस. जो फंक्शनल रेवोल्यूशन है, अगेन यहां पे बात की जाती है कि इंडियन सिटीज के पास फुल फ्लेज्ड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं है ओवर सर्टेन क्रिटिकल फंक्शंस एंड सर्विसेज सच एज प्लानिंग, हाउसिंग, वाटर, एनवायरमेंट, फायर, इमरजेंसी सर्विसेज एटसेट्रा, राइट. एक बहुत बड़ा डाइवर्जेंस है बिटवीन द लीगल मैंडेट एंड द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है. तो बोलते एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है कि आपको लीगली ये काम दिया गया है करने को बट उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, ये एक इशू है. अनदर इक्वली प्रॉब्लमैटिक इशू इज कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इटसेल्फ है जिसके अंडर कुछ काम दिए जाने चाहिए वही काम नहीं उनको दिए जा रहे हैं, सो देयर इज कंप्लीट नॉन एडहेरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इटसेल्फ, ठीक है. सो ये दोनों जो चीजें हैं दोनों ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हैं, दोनों
दोनों ही चीज़ें इंडियन सिटीज़ को इम्पैक्ट कर रही है. अगेन आर्टिकल 243W जो है, जो कि मैंडेट करता है फंक्शनल डेवोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ 18 फंक्शंस जो कि 12th शेड्यूल के अंडर दिए गए हैं, ठीक है. ये मे की बात करते हैं, ठीक है. यहाँ पे वर्ड क्या है, ऑपरेशनल वर्ड क्या है, वो मे है और शाल नहीं है. सो बिकॉज ऑफ दिस जो आर्बिट्रीनेस है इन टर्म्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. एंड जो टाइमलाइन है कि कब तक ये सारे डिवॉल्व करने हैं फंक्शंस टू द सेल्फ गवर्नमेंट इन द सिटी, वो डिफाइंड नहीं है. द नेक्स्ट क्रूशल इशू दैट वी अप्रोच इज दैट ऑफ फंक्शनरी डेवोल्यूशन, ठीक है. अगेन फंक्शनरी सपोर्ट जो है बहुत क्रिटिकल होता है इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग फंक्शंस, इन टर्म्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस पॉलिसीज एंड स्कीम्स, ठीक है. बट यहाँ पे क्या है, इंडिया के अंदर जो मेयर्स और काउंसिल्स हैं वो ना तो हायर करते हैं ना फायर करते हैं अपने खुद की मैनेजमेंट टीम्स, तो उनकी जो खुद की पावर है बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेन हो जाती है इन टर्म्स ऑफ कि किस तरह से वो जो सिटी के ऑफिशल्स हैं उनको अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल ठहराएं, ठीक है. और इसको वो शार्पली कॉन्ट्रास्ट करते हैं विद सिटीज़ लाइक लंडन, न्यूयॉर्क एंड जोहान्सबर्ग, जहाँ पे जो सिटीज़ है उनकी जो एग्जीक्यूटिव है उनको कंप्लीट पावर दी गई है ऑन हायरिंग एंड फायरिंग ऑफ ब्यूरोक्रेटिक टीम, ठीक है. तो ऑब्वियसली उसके भी जो है कुछ वीकनेसेस हो सकती है. सो किस तरह से एक मिडिल पाथ बनाया जा सकता है जहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है उसको भी सफिशेंट ऑटोनॉमी मिले, बट साथ ही साथ में दे कैन ऑल्सो बी हेल्ड अकाउंटेबल बाय द सिटीज एग्जीक्यूटिव, ठीक है. लास्ट जो आपकी एक इशू है वो है फिस्कल डेवोल्यूशन का. जो आपका 2018 इकोनॉमिक सर्वे है वो स्टेट करता है कि जो फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन है उसको एम्ब्रेस किया जाना चाहिए नॉट ओनली एज डिजायरेबल इकोनॉमिकली बट ऑल्सो ये एक पोलिटिकल एंड फिलोसफिकल प्रिंसिपल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. हाउएवर इंडियन सिटीज एक मेजर हैंडीकैप फेस करती हैं इन टर्म्स ऑफ their ability to deliver municipal functions and services. Why? Because उनके पास जो पैसा है वही बहुत ज़्यादा constrained है, ठीक है. सिर्फ यहाँ पे जो A6 की स्टडी थी उन्होंने ये देखा कि ऑन एन एवरेज जो सिटीज़ है, जो 23 सिटीज़ इस स्टडी का हिस्सा बनी, वो सिर्फ 39% जो फंड्स है वो जनरेट करती हैं जो वो खर्चती हैं, जिसके कारण उनकी जो डिपेंडेंस है ऑन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रांट्स वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, राइट. इवन दो बहुत सारे स्मॉलर टाउन्स जो हैं वो इमर्ज हो गए हैं, इंडिया का जो एक अर्बनाइजेशन का कैरेक्टर है वो हाईली मेट्रोपॉलिटन इन नेचर रहता है, राइट. जहाँ पे the idea of urbanization is actually dominated by these bunch of metropolitan cities. And जो नए towns, जो नए smaller towns, industrial towns भी जो उभर के आ रहे हैं, they are basically emerging in the proximity of existing large cities, ठीक है. तो अगर आप बात करते हैं नवी मुंबई की जो कि मुंबई के आसपास आई, अगर आप बात करते हैं से फरीदाबाद की, गुड़गांव की, मानेसर की जो कि आपके दिल्ली के आसपास ही आ रहा है, राइट. सो इन टर्म्स ऑफ कि अभी भी जो प्रीडोमिनेंस है लार्ज सिटीज़ की वो अभी तक है कायम है, राइट. जो 53 million प्लस सिटीज़ हैं या फिर जिनको आप अर्बन एग्लोमरेशंस बोलते हैं, दे कंप्राइज ऑफ नियरली 42.6% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया, ठीक है. इंडिया बहुत ही उनका कम कंट्रीज में से है जिनके पास एक मेट्रोपॉलिटन गवर्नेंस का कोई भी फ्रेमवर्क जो है अवेलेबल नहीं है, और ज़रूरी है ऐसा एक फ्रेमवर्क बनाना. और वैसे ही वो एक फ्रेमवर्क की इस आर्टिकल में बात करते हैं. वो बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ सिटी गवर्नमेंट ज़रूरी है एक नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे मेयर्स और सिटी काउंसिल्स जो हैं आके एडवोकेट कर सके डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर जो मुद्दे हैं. सेकेंडली एक कनेक्शन विद सिटीजन्स बनाना बहुत ज़रूरी है, ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है, एंड साथ ही साथ में मेयर्स और काउंसिलर्स को इन सिटीजन्स का, अपने सिटीजन्स का सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी है टू फर्दर द डिसेंट्रलाइजेशन का एजेंडा. सेकेंडली इन टर्म्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ज़रूरी है कि वो ओवरहॉल करें उनके जो वेरियस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट्स हैं, ताकि मेयर्स को वो प्रॉमिस कर सके 5 साल का स्टेबल एक टर्म. साथ ही साथ में कुछ क्रिटिकल जो फंक्शंस हैं उनको मीनिंगफुली डिवॉल्व किया जा सके, एंड मेयर्स एंड काउंसिल्स को पूरी पावर हो ओवर बोथ स्टाफिंग एज वेल एज फाइनेंसिस. सेकेंडली क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स बाई इंश्योरिंग कि एक फेज्ड मैनर में जो वेरियस पैरा स्टेटल एजेंसीज जो कि एमर्ज हो गई हैं, राइट, पैरेलल टू द काइंड ऑफ एग्जीक्यूटिव जो कि स्टेट ने ऑलरेडी बनाया था, इन पैरा स्टेटल एजेंसीज को रिस्पॉन्सिबल वो बना दे टू बोथ द मेयर एज वेल एज द काउंसिल. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके लिए ज़रूरी है कि वो अमेंड करे द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, ताकि जो उसका इंटेंडेड स्पिरिट था, उसका जो इंटेंडेड पर्पस था जिसके लिए म्यूनिसिपैलिटीज़ बनाई गई थी एज दे वर लुक्ड एज लुक्ड एट एज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स,
वो ये जो है ढंग से जो अपना रोल है वो निभा सके, साथ ही में वो लीड करे एफर्ट ऑन मेट्रोपॉलिटन गवर्नेंस पैराडाइम, ठीक है, कि किस तरह से जो मेट्रोपॉलिटन्स हैं उनके लिए गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है बनाए जा सके बाय इवॉल्विंग अ कंसेंसस विद योर स्टेट गवर्नमेंट्स, राइट। सो दिस इज वेयर योर आर्टिकल ऑन द सिटीज एंड अर्बन स्ट्रक्चर्स एंड्स। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट वी आर लुकिंग एट इज इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर, और हेल्थ केयर में भी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हेल्थ फैसिलिटीज एंड वेरियस जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है विज़िवी चाइल्ड बर्थ, ठीक है, चाइल्ड बर्थ, मिटर्नल मोर्टैलिटी रेशो, ये सब जो है इंपॉर्टेंट मुद्दे रहते हैं एज फार एज हेल्थ केयर बोथ वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इज कंसर्न। और इसी के साथ रिलेटेड एक बहुत बड़ा एक और जो इशू है इज दैट ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, राइट। चाइल्ड बर्थ एंड इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज कैन बी अ वेरी एक्सपेंसिव फिनोमिनन, ठीक है, और इसी को पढ़ते हुए ये आर्टिकल जो है आगे आया है बाय चारुषी गर्ग, जे प्रतिभा एंड ज्योत्सना नेगी, राइट। सो बेसिकली द आर्टिकल टॉक्स अबाउट कि किस तरह से जो चाइल्ड बर्थ और इंस्टीट्यूशनलाइज डिलीवरीज की अगर बात हो रही है और वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसीज बी एट से जननी सुरक्षा योजना या जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ठीक है, वेरियस जो पॉलिसीज मे बी आपकी जो स्टेट्स में चल रही है ममता करके जैसे ओडिशा में एक्सेट्रा, ये सारी जो पॉलिसीज हैं किस तरह से ये विमेन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर को फर्स्टली केटर कर रही है, सेकेंडली किस तरह से ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है जो कि हेल्थ केयर पे हो रहा है बाय वेरियस फैमिलीज, क्या इनका उन पे कोई असर पड़ता है या नहीं, ठीक है। द आर्टिकल एट द वेरी फर्स्ट सेज कि इंडिया का जो मेटर्नल मोर्टैलिटी रेशो है वो नियरली वो कॉन्स्टिट्यूट करता है 15% ऑफ द टोटल ग्लोबल मेटर्नल डेथ्स, ठीक है, तो बेसिकली ऑफ द टोटल मेटर्नल डेथ्स दैट आर हैपनिंग वर्ल्ड ओवर उनमें से 15% जो डेथ्स हैं दे आर हैपनिंग इन इंडिया, राइट, विच इज अ वेरी शॉकिंग नंबर, ठीक है। इंडिया का जो मेटर्नल मोर्टैलिटी रेशो है दैट स्टैंड एट 174 per 1 lakh लाइव बर्थ इन 2015 अकॉर्डिंग टू WHO फिगर्स, एंड ये जो फिगर है इट इज मच हायर देन द टारगेट सेट बाय द MDGs जो कि हमें अचीव करना था, ठीक है, और ये टारगेट क्या था और 140 जो कि हम अचीव नहीं कर पाए। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं टू मेटर्नल डेथ्स इन इंडिया, राइट। फॉर एग्जांपल देर इज अ लैक ऑफ स्किल्ड अटेंडेंस ड्यूरिंग बर्थ, राइट, बेसिकली आपके पास स्किल्ड फंक्शनरीज नहीं है इन टर्म्स ऑफ से आपके गायनेकोलॉजिस्ट, इन टर्म्स ऑफ आपकी डिलीवरी नर्सेज, ठीक है, ये सब नहीं है, मिडवाइव्स एक्सेट्रा, ट्रेंड मिडवाइव्स, ये सब नहीं है जो कि बर्थ एक सेफ बर्थ जो है इंश्योर कर सके। साथ ही साथ में बहुत लोगों का पुअर एक्सेस है टू सर्विसेज, ठीक है, दिस पुअर एक्सेस मे बी इन टर्म्स ऑफ जो हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स हैं वो बहुत दूर हैं लोगों से, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ बहुत कम है, मेडिसिन जो रिलेटेड है वो अवेलेबल नहीं है, साथ ही साथ में लो लेवल्स ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़, जो एग्जिस्टिंग हेल्थ फैसिलिटीज़ है उनको भी जो है ढंग से यूज़ नहीं किया जा रहा है, इन टर्म्स ऑफ से जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एक्सेट्रा हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, उनको भी जो है उनके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका भी जो उपयुक्त यूज़ है वो नहीं हो रहा, राइट। अगेन लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो इनएबिलिटी है पुअर हाउस होल्ड्स की टू स्पेंड मनी आउट ऑफ देयर पॉकेट्स ऑन चाइल्ड बर्थ इन हेल्थ फैसिलिटीज, ये मेन फैक्टर्स रहते हैं जिनके कारण मेटर्नल डेथ्स जो हैं आज तक एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है इंडिया के अंदर, ठीक है। अब गवर्नमेंट की वेरियस पॉलिसीज जो है उभर के आई है, पहली पॉलिसी जो है जिसको वो डिस्कस करते हैं जो जननी सुरक्षा योजना जो कि लॉन्च हुई थी 2005 में। अगेन ये पॉलिसी क्या थी, ये एक कंडीशनल कैश ट्रांसफर प्रोग्राम है, ठीक है। कंडीशनल कैश ट्रांसफर का क्या मतलब है कि अगर आप कुछ कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो यू आर इंसेंटिवाइज्ड बाय मींस ऑफ प्रोविजन ऑफ कैश, हम आपको कुछ पैसा देंगे अगर आपने कुछ ही कंडीशंस फुलफिल कर दी, राइट। तो बेसिकली कैश इंसेंटिव देते हैं गरीब प्रेग्नेंट वुमेन को जो कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज देती हैं, बेसिकली वो बच्चा पैदा करती हैं इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज एंड गवर्नमेंट के जो अक्रेडिटेड प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनके अंदर, ठीक है। एंड इसी इन्हीं कैश इंसेंटिव्स के कारण द स्टडी सेज कि एक्चुअल में प्रेग्नेंट वुमेन जो कि रूरल एरियाज में हैं, ठीक है, दे आर रिसीविंग सम 1400 rupees एंड अर्बन एरियाज में 1000 rupees, ठीक है। जो लो परफॉर्मिंग स्टेट्स है जहाँ पे मेटर्नल मोर्टैलिटी रेशो बहुत ज़्यादा हाई है वो आपके लो परफॉर्मिंग स्टेट्स है, तो वहाँ पे रूरल एरियाज में 1400 rupees मिलते हैं पर डिलीवरी एंड 1000 rupees अर्बन एरियाज में। वहीं जो आपके हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स है वहाँ पे 700 rupees मिलते हैं इन रूरल एरियाज एंड 600 इन अर्बन एरियाज फॉर इंस्टीट्यूशनलाइज डिलीवरीज। अगेन ऐसा ही एक और जो है
एक स्कीम जो आगे आई है, अब जो चलाई गई है, दैट इज योर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जो कि लॉन्च की गई थी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2011. ये क्या एनएसएच करती है, ये प्रोवाइड करती है फ्री एंड कैशलेस सर्विसेज हर प्रेग्नेंट औरत को जो कि कोई किसी भी गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी के पास आती है, ईदर फॉर नॉर्मल डिलीवरी और फॉर सिजेरियन डिलीवरी. ठीक है, जितने भी स्टेट्स हैं इन द कंट्री सब ने इम्प्लीमेंट की है ये स्कीम एट वेरिंग पेस. अब इन दोनों ही स्कीम्स के अंदर ये एक मुद्दे हैं कि काफ़ी वेरिएशन है एज फार एज स्टेट्स आर कंसर्न. राइट, फॉर एग्जाम्पल ये जो कैश इंसेंटिव्स की स्कीम है वेरियस स्टेट्स में, फॉर एग्जाम्पल यूपी में, ओडिशा में, राजस्थान में, डिफरेंट डिफरेंट और ऐसी स्कीम्स चल रही हैं अलग अलग नाम से जो कि इंसेंटिवाइज करती हैं अपनी औरतों को फॉर इंस्टीट्यूशनलाइज डिलीवरीज. वेरियस और भी ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने बहुत ही कम एफर्ट्स डाले टू एक्चुअली एंश्योर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज वाया कैश ट्रांसफर्स. सेकेंडली अगेन जो आपकी जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है यहाँ पे भी ये वेरिएशन जो है दिखने को आते हैं कि जो स्टेट्स है एट वेरिंग पेस इन वेरिंग केपेबिलिटीज इन वेरिंग मेजर्स जो है ये अप्लाई कर रहे हैं. अब कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स जो कि आते हैं इस स्टडी से, पहली चीज जो वो बात करते हैं, बोलते हैं जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है हेल्थ पे वो कॉन्स्टिट्यूट करता है नियरली 62.6% ऑफ द टोटल हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर ऑफ द कंट्री. राइट, सो बहुत ही एक बड़ा नंबर है. साथ ही में जो टोटल एवरेज एक्सपेंडिचर है जिसके अंदर दोनों ही मेडिकल एंड नॉन मेडिकल एक्सपेंडिचर इंक्लूड होता है फॉर चाइल्ड बर्थ इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ फैसिलिटी, प्राइवेट हो पब्लिक हो जैसी मर्जी हो, ठीक है, दैट स्टैंड्स एट अराउंड 8,508 इन 2014, जिसमें से 82% जो है मेडिकल सर्विसेज पे खर्चा हो रहा है एंड 18% जो है वो नॉन मेडिकल सर्विसेज पे खर्चा हो रहा है. NSSO का जो हाउसहोल्ड सर्वे है बोथ इन द 60th एंड 71st राउंड, उन्होंने रिवील किया कि ये जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है इन जनरल एंड स्पेशली एज फार एज चाइल्ड बर्थ इज कंसर्न इन गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज ये डिक्लाइन हुआ है. ठीक है, सो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हैज एक्चुअली विटनेस अ डिक्लाइन एज फार एज गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज आर कंसर्न. हाउएवर जहाँ पे प्राइवेट फैसिलिटीज की बात होती है वहाँ पे ये जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो बढ़ गया है एंड काफ़ी ज़्यादा पैमाने पर बढ़ा है. 69% बड़ा है रूरल एरियाज में, 66% बड़ा है अर्बन एरियाज में. ये बोलते हैं हाफ ऑफ द वुमेन जिन्होंने बर्थ दिया एक प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी में वो नियरली 18 टाइम्स ज्यादा खर्चा करते हैं जो उनको करना होता है एक गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी. साथ ही में जो एक्सपेंडिचर है अर्बन एरियाज में एट पब्लिक फैसिलिटीज, ठीक है, सो यहाँ पे क्या है रूरल एरियाज के अंदर राइट क्या हो रहा है पब्लिक फैसिलिटीज में रिगार्डलेस ऑफ कौन से इनकम ग्रुप से आप आते हैं, ठीक है, आपका खर्चा नियरली उतना ही है. हाउएवर अर्बन एरियाज में बहुत फ्लक्चुएशंस है इन टर्म्स ऑफ इनकम क्लासेस, ठीक है, और किस तरह से कौन कितनी फैसिलिटी अवेल कर रहा है. नेक्स्ट जो एक्सपेंडिचर है ट्रांसपोर्ट पे वो अभी तक बहुत ज़्यादा हाई रहता है स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि डिलीवरीज कर रहे हैं पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ में. क्यों, क्योंकि मोस्टली जो डिलीवरीज है नियरली 52% विच इज़ द मेजॉरिटी ऑफ योर डिलीवरीज वो कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में आकर होती हैं एंड मोस्टली ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं ये विलेजेस से काफ़ी दूर होते हैं. सो पीपल हैव टू स्पेंड अ लॉट इन अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट टू एंड फ्रो फ्रॉम द विलेज टू दैट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. अब कौन से मेन इशूज उभर के आते हैं जिनको डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है. पहली चीज है इंपैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन यूटिलाइजेशन, कि किस तरह से यूटिलाइज हो रही है ये जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज है. ये एनालिसिस दिखाता है कि गवर्नमेंट ने जो इंसेंटिव्स दिए उसके कारण ऑब्वियसली जो यूटिलाइजेशन थी ऑफ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज वो कुछ बड़ी एंड स्पेशली रूरल एरियाज में बड़ी एंड स्पेशली अमंग द पुअर पीपल बड़ी. जो आपके प्राइमरी एंड कम्युनिटी हेल्थ क्लिनिक से अक्रॉस द स्टेट सेंटर्स हैं आपके अक्रॉस द स्टेट उनके अंदर एक मेजर प्रॉब्लम है ऑफ सिवियर शॉर्टेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एज वेल एज गायनोकोलॉजिस्ट. साथ ही में पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है और गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एम्बुलेंस सर्विसेज भी जो है मिसिंग है. इसीलिए जो पीपल हैं जो लोग हैं दे प्रेफर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ओवर दीज PHCs एंड CHCs, राइट, एंड बिकॉज दे प्रेफर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इसके कारण क्या हो रहा है ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है यहाँ पे जो आ रही जनता है वो बहुत ज़्यादा है जिसके कारण ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की ऑलरेडी जो एक लिमिटेड कैपेसिटी है वो और ज़्यादा कंस्ट्रेन हो जाती है. साथ ही साथ में जो अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड वेल एक्सपीरियंस हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड फंक्शनरीज
एंड फंक्शनल चाइल्ड बर्थ सेंटर्स, ठीक है, अगर ये प्रोवाइड की जाए पीएचसी एंड सीएचसी लेवल पे, ज़्यादा लोग जो है इन कम्युनिटी एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे जाएंगे, ना कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर्स पे, राइट। मेनली जितने भी अनकॉम्प्लिकेटेड, जिनके अंदर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिजेरियन नहीं करानी है, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, ऐसे चाइल्ड बर्थ जो है लोअर लेवल फैसिलिटीज़ पे होने चाहिए, जो कि पीएचसीज एंड सीएचसीज है। हाउएवर लोग जो है क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाते हैं अवॉइडिंग दीज, तो जो अवेलेबल रिसोर्सेज जो कि यहाँ पे पीएचसीज एंड सीएचसीज पे खर्चा किया गया है, दैट रिमेन्स कंप्लीटली अनयूज्ड, एंड ये इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन है ऑफ वेरियस रिसोर्सेज। सेकेंडली ये बात करते हैं ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, राइट। यहाँ पे बात होती है, यहाँ पे बोलते हैं कि एक रिडक्शन आई है इन आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर में भी, एज फार एज चाइल्ड बर्थ एंड गवर्नमेंट फैसिलिटीज आर कंसर्न, स्पेशली इन रूरल एरियाज में। हाउएवर ये जो रिडक्शन एक्सपेंडिचर में, उसने पुअर लोगों को एडिक्वेटली बेनिफिट नहीं किया है, स्पेशली क्यों, क्योंकि वो बोलते हैं कि जो रेट ऑफ डिक्लाइन इन एक्सपेंडिचर है, जो लोग हायर इनकम ग्रुप से आ रहे हैं उनके अंदर ये रेट ऑफ डिक्लाइन ज़्यादा है विजवी वो लोग जो कि ज़्यादा गरीब सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट फैसिलिटीज दोनों ही रिच एज वेल एज पुअर जो हैं अवेल कर रहे हैं। लास्टली ये बोलते हैं कि जो रिड्यूस मेडिकल एक्सपेंडिचर है चाइल्ड बर्थ पे, स्पेशली इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, उसके कारण काफ़ी सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स जो है उनको फ़ायदा हुआ है। दिस इज़ लेड बाय द अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनके अंदर सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है डिक्लाइन ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, नेक्स्ट शेड्यूल कास्ट एंड उसके बाद शेड्यूल ट्राइब्स। जनरल कैटेगरी में ये बोलते हैं कि मोर और लेस सिमिलरली रहा है एज फार एज द एक्सपेंडिचर इज कंसर्न। थर्डली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली है आपका इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर अक्रॉस स्टेट्स। सो स्टेट्स की अक्रॉस स्टेट्स किस तरह से वेरिंग परफॉर्मेंसेज रही हैं, राइट। एंड यही जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, काफ़ी वेरिएशन आई हैं एज फार एज स्टेट्स आर कंसर्न, एंड जो उनकी लेवल ऑफ स्पेंडिंग रही है इन टर्म्स ऑफ कि कितना ज़्यादा वो कि कितना ज़्यादा जो स्टेट्स है वो इंटरवीन कर रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं इन एक्चुअली रिड्यूसिंग जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, राइट। अब यहाँ पे वो बात करते हैं कि वो जो स्टेट्स जिन्होंने एक्चुअल में अपने स्केल अप की इंटरवेंशंस, ठीक है, अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन, जहाँ पे उन्होंने प्रॉपर मेजर्स लिए रिड्यूस करने के लिए मेटर्नल एंड न्यूनेटल मोर्टैलिटी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स चलाई, डिफरेंट पॉलिसीज चलाई, उन्होंने एक्चुअल में सब्सटैंशली रिड्यूस किया है जो आपके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, राइट। साथ ही में जो आपका कुछ स्टेट्स हैं, जिस तरह से वो बताते हैं, एग्जांपल्स देते हैं, वो राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, तमिलनाडु, मेघालय, गुजरात के, ठीक है, इन्होंने ये बोलते हैं कि इन्होंने जितनी भी की सर्विसेज होती थी, जितनी भी की सर्विसेज ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ मेटर्नल एंड न्यूनेटल केयर, इन्होंने ये सर्विस कॉम्पोनेंट्स स्ट्रेंथन किए। फॉर एग्जांपल जो आपके मेडिसिन हैं उनकी ईजी अवेलेबिलिटी, उनकी चीप अवेलेबिलिटी, साथ ही में जो डायग्नोस्टिक सर्विसेज है उनकी फ्री अवेलेबिलिटी, रेफरल ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को फ्री करना, मतलब बेसिकली आप फैसिलिटी जो आपकी हॉस्पिटल है उससे आना जाना जो मुफ्त है, ठीक है, उसके कारण जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड बर्थ। साथ ही में जो गवर्नमेंट पॉलिसीज, जहाँ पे वो बोलते हैं जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उनके उन्होंने ज़्यादा सक्सेस नहीं अचीव किया है इन टर्म्स ऑफ जहाँ पे फ्री ड्रग्स और फ्री डायग्नोस्टिक सर्विसेज की बात होती है चाइल्ड बर्थ के अंदर। साथ ही में जो रेफरल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और उसका फ्री होना है वो भी एक मेजर कंसर्न रहता है। और स्टेट्स जो है, यहाँ पे स्टेट्स का रोल आता है, ठीक है, कि ब्रॉड पॉलिसी सेंटर बना सकता है, बट जहाँ पे ये जो फैसिलिटीज एंड सर्विसेज हैं यहाँ पे स्टेट को एक बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव रोल प्ले करने की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग दी सर्विसेज अवेलेबल फॉर पीपल, ताकि वो जो ये वेरियस पॉलिसीज हैं इन टर्म्स ऑफ से जननी सुरक्षा योजना या जननी शिशु सुरक्षा कल्याण, ठीक, तो उन कार्यक्रम उन टर्म्स के अंदर अगर उन्होंने इंश्योर करना है तो यहाँ पे स्टेट्स को भी एक प्रोएक्टिव रोल जो है निभाना पड़ेगा, राइट। साथ ही में ये भी बात करते हैं कि जो वो स्टेट्स है जहाँ पे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक्स पे बहुत ज़्यादा हाई रहा है, वहाँ पे हायर मिटर्नल मोर्टैलिटी रेशो भी विटनेस किया जा सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, वहाँ पे उन्होंने कॉन्ग्रुएंस देखी है कि जहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है वहाँ पे जो MMR है वो भी ज़्यादा होता है, फॉर एग्जाम्पल उड़ीसा एंड बिहार। अ लार्ज पोर्शन जो बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का आज भी ट्रांसपोर्ट पे होता है, और स्टेट सच एज असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, जिन्होंने भी फ्री रेफरल ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए वाया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्सेट्रा, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स देखी इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ केयर फैसिलिटीज एज फार एज चाइल्ड केयर इज कंसर्न, राइट। चलिए फटाफट अपने फाइनल आर्टिकल पे चलते हैं।
जो हमारा फाइनल आर्टिकल है दैट इज ऑन प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज एंड रोल ऑफ नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी. ठीक है, ये आर्टिकल है बाय इंद्राणी बरपूजारी एंड उजाल कुमार शर्मा. राइट, सो बेसिकली जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, ठीक है, ट्रेडिशनल नॉलेज जो कि बेसिकली काफ़ी आपकी इंडिजीनियस कम्युनिटीज या फिर जो आपकी लोकल कम्युनिटीज हैं, ठीक है, ओवर द ईयर्स, ओवर एजेस, ओवर जनरेशंस ये जो नॉलेज है पास की जा रही है ड्यू टू द से क्योंकि प्रॉक्सिमिटी टू द काइंड ऑफ नेचर एंड एनवायरनमेंट जिसमें वो रहते हैं. फॉर एग्जांपल हमारी यू नो एवरी हाउस होल्ड के अंदर दादी नानी एक्सेट्रा बात करती हैं नीम की, ठीक है, कि किस तरह से नीम के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, टर्मेरिक हल्दी के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं. तो इनके जो मेडिकल बेनिफिट्स हैं ये सब क्या है, ये सारी ट्रेडिशनल नॉलेज है. ठीक है, ये कोई आपको एलोपैथी में डिग्री करने से नहीं पता लग रही है, बट ये ट्रेडिशनल नॉलेज है जो कि पास ऑन की जा रही है, ठीक है, अक्रॉस जनरेशंस. तो किस तरह से ये ट्रेडिशनल नॉलेज का दुरुपयोग ना हो, इस ट्रेडिशनल नॉलेज को मॉडिफाई बहुत ज़्यादा ना कर दिया जाए विदाउट गिविंग ड्यू बेनिफिट्स टू दोज पीपल जो कि ये ट्रेडिशनल नॉलेज होल्ड करते हैं और क्रिएट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे बात होती है कि ज़रूरी है कि या तो आपका जो करंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेजीम है, राइट्स का रेजीम है, उसको चेंज किया जाए या फिर एक नया डिज़ाइन लाया जाए सुई जेनरिस, जो कि सुई जेनरिस का बेसिकली मतलब है कि जो प्रेजेंट हमारी नीड्स हैं उसको कंसर्निंग उसके कंसर्न करता हुआ उसको फुलफिल करते हुए एक यूनिक एक बनाया जाए, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का एक स्ट्रक्चर बनाया जाए जो कि ट्रेडिशनल नॉलेज को भी प्रिजर्व करने में हेल्प करे एंड उसकी मिसअप्रोप्रिएशन जो है अवॉइड कर सके. ट्रेडिशनल नॉलेज एंड साथ ही में जो वेरियस कम्युनिटीज जो कि जेनरेट करती है इस नॉलेज को, दे आर ऑफन एट द मार्जिन ऑफ द सोसाइटी एंड ऑफ द इकोनॉमी. और इसीलिए ज़रूरत है कि इन लोगों की जो इंटरेस्ट है उनको ड्यू केटर किया जा सके. एंड यहीं पे रोल आता है आपकी जो नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी का जो कि रिलीज़ की गई थी बाय डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन इन मई 2016. ये जो पॉलिसी है ये रिकग्नाइज करती है कि देखिए ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज है इसको मोनिटाइज तो किया जा सकता है, मोनिटाइज इन टर्म्स ऑफ के आप उसको बेच सकें. हाउएवर जो ट्रेडिशनल इंडिया का जो एथोस है, जो एक एटीट्यूड है, जो हमारी बिलीफ है, जो हमारे आइडियाज़ है, जो हमारे वैल्यूज़ है, उसके अंदर मोनेटाइजेशन ऑफ ये जो नॉलेज है वो बिल्कुल भी उसका हिस्सा नहीं है. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये माना जाता था ये सबके वेलफेयर के लिए है, ये पैसे कमाने के लिए नहीं दी जाती थी ये ट्रेडिशनल नॉलेज, बट अपने घर वालों के अपने कम्युनिटी की हेल्थ केयर के लिए उनके फायदे के लिए मेंटेन की जा सकती थी. हाउएवर ये जो आइडिया है कि आप इसको मोनेटाइज ना करो बट इट्स मोर बेनोवलेंट इन नेचर, ये ढंग से नहीं बैठ पाता विद द ग्लोबल रेजिम. एंड इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको ट्रांसफॉर्म करें इंटू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट्स जिसके साथ कुछ वैल्यू अटैच्ड है एंड इन रिटर्न ऑफ दिस वैल्यू एक इकोनॉमिक रिवॉर्ड जो है वो मिलेगा थ्रू कमर्शलाइजेशन. ठीक है, अब ये पॉलिसी क्या करती है, ये पॉलिसी एक न्यू लिबरल लाइन को जो है फॉलो करती है जहाँ पे जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको कमोडिफाई किया जा रहा है बेचने के लिए. ठीक है, कि जो मार्केट फोर्सेज हैं वो यहाँ पे अब आ गई हैं, जो आपकी ट्रेडिशनल नॉलेज है सिर्फ कम्युनिटी ओरिएंटेड नहीं रही, अब वो मार्केट और इकोनॉमी का हिस्सा बनते जा रहे हैं. अब हर ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ जो है एक वैल्यू अटैच हो गई है, राइट, इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स और नेशनल लॉज जो कि क्या करते हैं, ये जो इंट्रिंसिक नॉलेज है, ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको बेसिकली मोनेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण जो इंडिजिनियस लोकल कम्युनिटीज़ हैं जो कि बेसिकली इस नॉलेज की रिपोजिटरी है, इस नॉलेज को क्रिएट करते हैं, राइट, वो काफ़ी अनॉय हो रही है इन चीज़ों पर. हाउएवर एट द सेम टाइम ये बोलते हैं कि हमको ये भी समझना ज़रूरी है कि अभी इनएविटेबल हो गया है ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जिस तरह से मार्केट जितनी ज़्यादा मार्केट जो है, जितना ज़्यादा वर्ल्ड इकोनॉमी जो है ऑल परवेसिव हो गई है, तो इससे बच के रहना और ये सोचा कि हम ट्रेडिशनल नॉलेज को ट्रेडिशनल नॉलेज का ही हिस्सा बना के रखेंगे और मोनेटाइज नहीं करेंगे, इकोनॉमी का हिस्सा नहीं बनने देंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग टू डू, कि एटलीस्ट जो लोग ये क्रिएट कर रहे हैं नॉलेज, ठीक है, उनके पास एडिक्वेट लीगल टूल्स हो और उनके पास अवेयरनेस हो और उनको पता हो कि किस तरह से हमने इस मार्केट इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करना है और हमारे जो राइट्स हैं ओवर ट्रेडिशनल नॉलेज किस तरह से वी हैव टू असर्ट देम एज वेल एज गेट बेनिफिट्स आउट ऑफ इट. ठीक है, तो जो उसको बेच के जो उनसे जितना भी कमाया जा सकता है किस तरह से एक इक्विटेबल शेयरिंग हो सकती है ऑफ द ट्रेडिशनल नॉलेज जिसको आप मोनेटाइज एंड कमोडिफाई कर रहे हो, राइट.
इट कैन अगेन बी चैलेंज ऑन ग्राउंड कि ये एथिकली करेक्ट नहीं है कि आप किसी चीज़ पे प्राइस डाल रहे हो, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में देखें, राइट, तो कार्ल पोलानी जो है वो एक बात करते हैं किसकी, फिक्टिशियस कमोडिटीज़ की. वो बोलते हैं ये कुछ ऐसी कमोडिटीज़ होती हैं जो प्राइसलेस है, जिनका कोई मोल नहीं है, राइट. देयर इज़ यू कांट रियली फिक्स अ प्राइस ऑन इट. हाउएवर विद द ऑल परवेजिव नेचर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी अब क्या हो रहा है, उनकी जो वैल्यू है, ठीक है, उस पर भी एक मॉनेटरी वैल्यू लगा दिया गया है, इवन दो दैट मॉनेटरी वैल्यू इज नॉट करेक्ट इन टर्म्स ऑफ के दे आर मोर वैल्यूएबल देन जस्ट वॉट यू आर पेइंग फॉर इट. ठीक है, क्यों? क्योंकि लोगों की कल्चरल आइडेंटिटीज इस ट्रेडिशनल नॉलेज से जुड़ी हुई हैं. ये सिर्फ एक से हेल्थ केयर बेनिफिट नहीं है या सिर्फ एक ही साइंटिफिक कुछ रिसर्च नहीं है, ये उनकी कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, राइट. सो बहुत ज़्यादा वो एग्जाम्पल्स देते हैं, इंडिया के अंदर तो है ही है जैसे हम बात करते हैं, पर साथ ही साथ फॉर एग्जाम्पल दे टॉक अबाउट सब सहारन अफ्रीका के अंदर एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ कैक्टस जो है, जो एक आपकी सान ट्राइब था उनका हिस्सा था, एंड किस तरह से ये एक उनके कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, बट जैसे उसको मोनेटाइज एंड कमोडिफाई किया, सडनली अब ये जो एक जो कल्चरल कमोडिटी था उनकी, एक कल्चरल आइडेंटिटी का हिस्सा था, अब वो बस एक स्लिमिंग इंग्रेडिएंट बन गया है, राइट. सो इन दीस टर्म्स ये जो कमोडिफिकेशन है ऑब्वियसली एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, राइट. अगेन मिशेल फूको जो है इसकी बात करते हैं, एंड वो बोलते हैं कि जो प्रोसेस है कमोडिफिकेशन का, एज फार एज बायो रिसोर्सेज और उसके एसोसिएटेड नॉलेज जो है, राइट, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इन टर्म्स ऑफ जब से वर्ल्ड ट्रेड और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेजिम्स की बात होने आई है, एंड ये एक इंटेग्रल हिस्सा है किसका, न्यो लिबरलिज्म का. हाउएवर एट द सेम टाइम जरूरी है ये भी समझना कि ट्रेडिशनल नॉलेज इटसेल्फ इसका बहुत ही फ्लेक्सिबल कल्चरल आइडेंटिटी होता है. साथ ही साथ में जो यंगर जनरेशन है, स्पेशली एजुकेटेड यूथ की जो कि इन लोकल कम्युनिटी से आती हैं, उनके पास इतना एंथुजियाज्म नहीं है इन टर्म्स ऑफ दिस ट्रेडिशनल नॉलेज. इनफैक्ट जैसे जैसे वो ज्यादा साइंटिफिक टेम्परमेंट उनमें डेवलप होता जाता है, अ लॉट ऑफ देम एक्चुअली लुक एट दिस ट्रेडिशनल नॉलेज एज समथिंग एज सुपरस्टिशंस, और वो खुद जो है इस ट्रेडिशनल नॉलेज को अगर उनको मोनेटाइज किया जा सके तो उसको मोनेटाइज करके अपना भविष्य जो है वो सिक्योर बनाना चाहते हैं. डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो ट्रेडिशनल नॉलेज होल्डर्स हैं और आपकी जो इंडिजीनियस लोकल कम्युनिटीज है, लार्जली अब उनको समझ में आ गया है कि जरूरी है हम अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज को लीगली प्रोटेक्ट करें अंडर अ स्पेसिफिक IPR रेजिम जो कि एडमिनिस्टर किया जाता है इंटरनेशनली अंडर व्हाट इज नोन एज अ ट्रिप्स. ठीक है, स्पेशली 1992 ऑनवर्ड्स ये सब पता लगने लग गया था, राइट, जब ट्रिप्स आया इन वेक ऑफ सर्टन केसेस ऑफ बायोपायरेसी. ठीक है, बायोपायरेसी जो कि प्लांट बेस्ड जो आपकी ट्रेडिशनल नॉलेज थी, फॉर एग्जाम्पल नीम, टर्मरिक, आया हॉस्ट का, जो हम कब से इनकी बातें करते आ रहे हैं, सडनली दे बिकेम पेटेंटेड थिंग्स. ठीक है, सो काफियों के पेटेंट जो थे वापस कर लिए गए. हाउएवर बहुत लंबी बैटल्स चली, काफी मुद्दे उठे, काफी डिबेट्स हुई, कईयों के नहीं भी हुए, काफी लोगों को लॉस हुआ. तो इसके कारण समझ में आ गया था कि जरूरी है कि हम अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रोटेक्ट करें, एंड अगर इसको कमोडिफाई करना है देन वी शुड गेट सर्टन बेनिफिट्स आउट ऑफ इट ऑल्सो, राइट. तो जो आपकी नेशनल IPR पॉलिसी है वही ये केस आगे रखती है के कुछ मेजर्स बनने चाहिए जो कि प्रिवेंट कर सके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्लेम्स को ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज, ये कुछ भी अनऑथराइज्ड एंटिटीज को ग्रांट ना किए जाएं. साथ ही में ये एडवोकेट करती हैं कि जितनी भी ट्रेडिशनल नॉलेज है आप इसको डॉक्यूमेंट करो. लार्जली ये अभी तक ओरल ट्रेडिशन में चलती आ रही है इन टर्म्स ऑफ के आप जनरेशन ओवर जनरेशन पास ऑन करते आ रहे हो, तो कोई इसका लेजिटिमेट प्रूफ तो है नहीं कि हाँ ऐसे एक ट्रेडिशनल नॉलेज थी, एग्जिस्ट करती थी, ऑलरेडी लोगों को पता है, नहीं. तो बोल रहे हैं जरूरी है कि डॉक्यूमेंटेशन आप करो, एंड यही डॉक्यूमेंटेशन आप किस तरह से स्ट्रेंथन और एक्सपैंड करें, बाय अ ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी. ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरी क्रिएट हो रही है जिसके थ्रू जो है ट्रेडिशनल नॉलेज का एक बैंक क्रिएट हो सके. ठीक है, जो कि बता सके और बाकी जो वेरियस पेटेंट एग्जामिनर्स हैं उनको दिखा सके कि देखिए ये हमारी ऑलरेडी ट्रेडिशनल नॉलेज है, एंड आप इसके ऊपर पेटेंट नहीं दे सकते हो टू अनऑथराइज एंटिटीज. ठीक है, सो ताकि पहली चीज जो कम्युनिटीज है उनके इंटरेस्ट भी सेफगार्ड हो सके, एंड एट द सेम टाइम इस ट्रेडिशनल नॉलेज के ऊपर फर्दर रिसर्च और डेवलपमेंट जो है वो भी इनकरेज करी जा सके. हाउएवर वेरियस गैप्स एंड कंसर्न्स जो है आज भी एग्जिस्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ जो पेटेंट लॉ है जो कि एग्जिस्ट करता है. फॉर्मल गैप है एक
इन टर्म्स ऑफ लीगल प्रोटेक्शन अभी भी वो एडिक्वेट नहीं है, बहुत लोगों को अभी भी उनका हिस्सा नहीं मिलता. अगेन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक्चुअल में हिस्सा नहीं ऑफ इंडिजिनियस एंड लोकल कम्युनिटीज और उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज नहीं है, हाउएवर वो उनको एक्सप्लॉयट करते हैं, उसको अब्यूज़ करते हैं पेटेंट सिस्टम को अपना पेटेंट अचीव करने के लिए ओवर ट्रेडिशनल नॉलेज. साथ ही में बहुत ज़रूरी हो गया है एक अमेंडमेंट इन द एग्जिस्टिंग जो ट्रिप्स अग्रीमेंट है जो कि इनकॉर्पोरेट कर सके जो वो बोल रहे हैं एक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, जहाँ पे हर किसी को बताना ज़रूरी हो कि ये जो जेनेटिक मटेरियल जिसको आप रियूज कर रहे हैं उसका ओरिजिन क्या है, उसका सोर्स क्या है एंड उससे एसोसिएटेड कौन कौन सी ट्रेडिशनल नॉलेज यूज की गई है एक पर्टिकुलर इन्वेंशन में. जब ये डिस्क्लोजर क्लॉज जो है इंट्रोड्यूस हो जाएगा उसके कारण हार्मोनाइजेशन भी वो कहते हैं आ जाएगी इन ट्रिप्स जो आपका जो ट्रिप्स चल रहा है, ठीक है, जो ट्रिप्स इंटरनेशनल अग्रीमेंट है उसके अंदर एंड साथ ही साथ में आपका जो कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है आपका राइट उसके साथ भी एक आ जाएगी सीबीडी जो आपका 1992 में आया था राइट. एंड जो आपका सीबीडी है जो कि वेरियस चीज़ें इंश्योर करता है, साथ ही साथ में एक और जो इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है जो कि सेफ गार्डिंग की बात करता है एंड इक्विटेबल जो आपके बेनिफिट्स है उनको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, ठीक है, जो नगोया प्रोटोकॉल है जो कि बात करता है टू एक्सेस ऑन एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड किस तरह से उनके जितने भी बेनिफिट्स हैं उनको फेयरली एंड equitable sharing हो with the people concerned, ठीक है. So यही जो fair and equal sharing है ये आपकी जो convention on biological diversity है उससे ही उभर के आया है, right? इनफॉर्मली इसको बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन भी आप जिसको बोलते हैं, एक मल्टीलेटरल ट्रीटी जो हुई थी जो कि रियो डी जेनेरियो में हुई थी एंड अगेन ये भी बात करती है कि किस तरह से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है उसके कंपोनेंट्स का सस्टेनेबल यूज करना जरूरी है एंड साथ ही में फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग की भी जरूरत है इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग, ठीक है. सो अब ये जो ट्रिप्स है ये इसको सीबीडी और नगोया प्रोटोकॉल दोनों के साथ ही हार्मोनाइज कर देगा क्योंकि ए आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की भी बात करोगे बट एट द सेम टाइम आप सस्टेनेबल यूज की भी बात करोगे ऑफ वेरियस ट्रेडिशनल नॉलेजेस एज वेल एज उसके अंदर जो जो वेरियस लोग हैं जो कि क्रिएट कर रहे ट्रेडिशनल नॉलेज को उनके साथ जो बेनिफिट्स हैं उनको भी आप इक्विटेबली सस्टेनेबली और इक्वली शेयर कर पाएंगे. जो इंडियन पेटेंट लॉ है उसके अंदर एक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है जो कि पूछता है कि आपको अपना सोर्स और जियोग्राफिकल ओरिजिन जो है बायोलॉजिकल मटीरियल का उसको स्टेट करना जरूरी है पेटेंट एप्लीकेशन में जब भी आप किसी इन्वेंशन की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ कि कोई ट्रेडिशनल नॉलेज अगर वो यूज हो रही है चाहे वो ओरल हो या अदरवाइज हो राइट उनके जो रिलेटेड लोग हैं उनको भी सफिशिएंट जो फायदा है वो मिले, ठीक है. और ये जो नॉन कॉम्प्लायंस है जो ग्राउंड है फॉर ऑपोजिशन एंड रेवोकेशन ऑफ पेटेंट अंडर इसके अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका जो पेटेंट है वो रिवोक किया जा सकता है अंडर सेक्शन 25 ऑफ द पेटेंट्स अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005. साथ ही में जो इंडिया का खुद का बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है वो एक बहुत ही यूनिक लेजिस्लेशन है इन टर्म्स ऑफ एक तो इंडिया ने ऑब्वियसली साइन किया है आपका सीबीडी राइट 1992 का राइट टू कंजर्व बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. साथ ही साथ में जो इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स है उसको भी ये एक अपना हिस्सा बनाता है इन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट राइट. और यही जो नेशनल पॉलिसी है इट टेक्स इन टू कॉग्निसंस जो लॉन्ग फेल्ड नीड थी, ठीक है, कि आप हार्मोनाइज करो कि जिस तरह से हम इंटरनेशनली बात करें ट्रिप्स और सीबीडी और नगोया प्रोटोकॉल के अंदर हार्मोनाइजेशन की उसी तरह डोमेस्टिकली पेटेंट ऑफिस जो है जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है एंड जो आपका नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है जो कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंडर आया है इन दोनों के बीच में भी एक हार्मोनाइजेशन की बात कर रहे हैं ताकि सस्टेनेबिलिटी एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स का जो मुद्दा है उसको आगे लेके जाया जा सके, ठीक है. जो ट्रेडिशनल नॉलेज है ऑब्वियसली ये कहते हैं कि उसके लिए एक यूनिक मैकेनिज्म बनाना जरूरी है जो कि एडवोकेट किया गया है बाई वेरियस बॉडीज सच एज इंटर गवर्नमेंटल कमिटी ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड फोकलोर जो कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है वीपो उन्होंने सेटअप किया है राइट एज वेल एज द वर्किंग ग्रुप ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ऑफ सीबीडी. बहुत सारी कंट्रीज है जैसे पेरू, फिलीपींस, ब्राजील, थाईलैंड एक्सेट्रा जिनके पास भी अगेन लाइक इंडिया बहुत ही रिच ट्रेडिशनल नॉलेज है एंड बहुत सारी उनकी भी इंडिजीनियस एंड लोकल कम्युनिटीज है जो उनके ऊपर डिपेंडेंट है फॉर लाइफ राइट. सो उन्होंने अपने से रिलेटेड ऐसी यूनिक ऐसी पेक्यूलियर ऐसी सूटेबल लेजिस्लेशंस बनाई है जो कि रिकॉग्नाइज करती है इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को ऑफ द ट्रेडिशनल नॉलेज होल्डर्स
एंड उनका जो राइट है ओवर दिस नॉलेज, एंड अगर उसको कमोडिफाई किया जाएगा, उसको अगर यूज किया जाएगा फॉर सर्टेन इन्वेंशन, तो किस तरह से उनको बेनिफिट अकॉर्ड किया जाएगा, राइट. साथ ही में कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन भी दी जा रही है ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज. ठीक है, यहाँ पे जरूरी है, जहाँ पे वो बात करते हैं, वो बोलते हैं कि एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच एक्सेप्ट करने की जरूरत है, अप्लाई करने की जरूरत है, जहाँ पे सिर्फ कन्वेंशनल आईपीआर रेजीम नहीं यूज हो रहा होता है, बट नेगेटिव और पॉजिटिव प्रोटेक्शन भी दी जाए, इंक्रीज किया जाए इंटरफेस बिटवीन जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का रेजीम है और वेरियस अदर रेजीम सच एज बायोडाइवर्सिटी एक्सेट्रा जो हमने बात की, राइट. साथ ही में जो एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन है उसको स्ट्रेंथन किया जाए, उसको भी मॉडिफाई किया जाए, ताकि जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसकी प्रोटेक्शन एज वेल एज जो लोग इसको क्रिएट कर रहे हैं उनकी प्रोटेक्शन भी जो है इंश्योर की जाए, राइट. इन द एंड वो बोलते हैं कि जो ये नॉन इंक्लूजन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज होल्डर्स इन द प्रोसेस ऑफ एजेंडा सेटिंग एंड डिसीजन मेकिंग जो कि हो रहा है इंटरनेशनल नेशनल लोकल लेवल्स पे, राइट, वो एक बहुत ही गलत चीज है, एंड इन द लॉन्ग टर्म इट वोंट रियली लीड टू एनी बेनिफिट्स. सो जरूरी है कीपिंग इन माइंड द लॉन्ग टर्म विजन, द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ बोथ द कम्युनिटी एज सच एज वेल एज द लोकल इंडिजीनियस कम्युनिटीज एंड द ट्रेडिशनल नॉलेज जो उनके पास है. जरूरी है आप एक ऐसा मैकेनिज्म डिवाइस कीजिए जो कि ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है ओवर ट्रेडिशनल नॉलेज वो गारंटी करे, राइट. सो दीज वर द आर्टिकल्स फॉर टुडे. थैंक यू एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.